Hello students, today we will start the new exercise of your set theory and the new exercise based on word problem. Word problem based on union and intersection of the two sets, two or three sets. Union and intersection topics you had studied in the previous videos. So the word problem based on that union and intersection, complement is now we will see now. Before that, I will show the concept, I will give you the concept about that word problem. The concept is U, that is union. U, it's not universal. If there is a capital U, you all know that is capital U, it is for universal set. And if it is like U, then it is union of sets. You had studied about that. आपने यूनियन के बारे में पढ़ चुका है, पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज में. दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड द डैश, और वी कैन से दैट द बार, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. बेटा, नाउ द word in text form we use in terms of universal, sorry, union of sets, that is jo words hum use karte hain English mein, union of set, union is for algebraic expression and the word used in English vocabulary we can say that or, either, at least. When these words are used, it means it is your union. इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं बोथ, साइमल्टेनियस एंड इस तरह के वर्ड्स अगर यूज किए जाए तो इट शोज योर इंटरसेक्शन. एंड आइदर और एटलीस्ट यूज किया जाता है तो वो आपका यूनियन के लिए होता है. इसके बाद बेटा आपको जो एडिशन थ्योरम यूज करनी है सेट्स में, एडिशन थ्योरम ऑन सेट थ्योरी, इस एडिशन थ्योरम बेस्ड ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द एडिशन थ्योरम इज एन ए यूनियन बी. एन इज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इस एन को हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं. कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करता है वो. ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. इसको आपने वेन डायग्राम में भी देखा होगा. अगर आपको वेन डायग्राम आपने एज टॉपिक पढ़ा होगा तो इसको मैं आपको ऐसे भी समझाती हूँ वेन डायग्राम से. आपके पास आपने पढ़ा था कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर और रेक्टेंगल से शो करते हैं. देर आर टू सेट्स ए एंड बी. ये आपके पास ए और बी सेट्स हैं. तो बेटा अगर आपको ए एंड बी, ये इस टॉपिक के लिए एक मतलब फिर से इसको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे. मैं ये जो आपको एडिशन थ्योरम लिखी है, मैंने इस एडिशन थ्योरम को समझाने की कोशिश करूँगी वेन डायग्राम में. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. दैट इज योर यूनिवर्सल सेट, दैट इज योर ए एंड दैट इज योर बी. आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि सेट थ्योरी में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. देर इज नो रिपीटेशन इन सेट थ्योरी. यू ऑल नो ये आपके पास जो कॉमन पोर्शन है ये कहलाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी. ये आपके पास ए सेट, ये बी सेट. एंड व्हाट अबाउट ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का मतलब आपको बताया गया है आइदर ए और बी. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी यानी पूरा इंक्लूड होगा आपका ए यूनियन बी, पूरा इंक्लूड होगा ए और बी के एलिमेंट्स का. तो हम इसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. ए आपका जो इंक्लूड कर रहा है, मैं आपको इसको ब्लैक पेन से शो करती हूँ. वेट फॉर अ सेकेंड. सी बेटा, मैं आपको ब्लैक पेन से बता रही हूँ ए के एलिमेंट्स कहाँ हैं. ए आपका पूरा का पूरा है, ये आपका पूरा ए है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये पूरे आ जाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये रेड से बता रही हूँ मैं आपको बी के एलिमेंट्स कितने होंगे. ये बी के सारे एलिमेंट्स आपके बी पूरा है. तो ए यूनियन बी में आपका ए और बी दोनों आएंगे. तो हमने लिखा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
पर आपके पास एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये कि ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है, जिसको हमने इंटरसेक्शन बी बोला है। ये ए का भी पोर्शन है और बी का भी, तो सेट थ्योरी में आपके पास ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, यानी टू टाइम्स आ रहा है, तो हमको इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सेट थ्योरी में कभी भी आपके पास रिपीटेशन नहीं होता है और ये क्वांटिटी आपकी रिपीट हो रही है टू टाइम्स, तो उसको एक बार हमने माइनस कर दिया। देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर ए यूनियन बी इज एडिशन थ्योरम इज एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। इट इज फॉर टू सेट्स, सो एडिशन थ्योरम फॉर थ्री सेट्स व्हाट इट विल बी? एडिशन थ्योरम फॉर थ्री सेट्स, तीन सेट्स के लिए जो आपका एडिशन थ्योरम होता है यानी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन सेट्स है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी हम थ्री सेट्स को भी हम वेन डायग्राम से समझें ताकि आपको वेन डायग्राम होता क्या है ये क्लियर होना चाहिए। जब हम शॉर्ट ट्रिक्स में इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम वेन डायग्राम से ही करते हैं, हम इतना क्लैरिफिकेशन इतना सब नहीं करते हैं। थोड़ा सा सेट छोटा बना है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए बेटा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये आपका ए और सी का है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं ब्लू कलर पेन से जो कर रही हूँ ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है। अब मैं जो ब्लैक पेन से करूँगी वो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये ब्लैक पेन से मैंने करा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। और मैं एक रेड पेन से करूँगी जो कि आपका बी इंटरसेक्शन सी होगा। ये वाला पूरा पोर्शन आपका बी इंटरसेक्शन सी है। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये जो तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये जो बहुत ज़्यादा काला रेड ब्लू सब दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है। जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो ए बी और सी तीनों को प्लस करेंगे। ये वाला पोर्शन दो बार आया इसलिए इसको एक बार माइनस किया, इसको भी एक बार माइनस किया और इसको भी एक बार माइनस किया, यानी तीनों के इंटरसेक्शन माइनस की। पर आपके पास ये तीन बार माइनस करने के बाद ये वाला पोर्शन भी माइनस हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको प्लस कर दिया। आपको वेन डायग्राम बहुत क्लियर होना चाहिए तभी आप चीज़ें सेट थ्योरी में समझ पाते हैं। आगे मैं आपको और डी मॉर्गन्स लॉ भी बता देती हूँ ताकि इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकें। डी मॉर्गन्स लॉ भी हमको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, छोटा सा स्मॉल लॉ है, आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको इसको इम्प्लीमेंट करना बताएंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एन ए डैश इंटरसेक्शन एन बी डैश। जब भी आपको यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करना हो तो हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ, मैं यही लिख ले रही हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इट इज एन ए यूनियन बी का, सॉरी एन ए डैश यूनियन एन बी डैश। यूनियन का होल डैश है तो इंडिविजुअल इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन का होल डैश है तो इंडिविजुअल यूनियन बन जाता है। वेट फॉर अ मिनट। नाउ सी बेटा, वन मोर फॉर्मूला फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन यूज हियर। आपका एक फॉर्मूला जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ये होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब भी आपको ज़रूरत होगी। वैसे तो हम टोटल में से माइनस करते हैं तो टोटल आपका यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो तो आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। नाउ सी, अगर आपके पास और भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे तो हम उसको जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे हम उसको बताते रहेंगे। देखिए जरा, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन 1F स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपकी, और ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, भले वो मैथ्स सेक्शन की ना हो, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो आपका सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली उसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फॉर दैट
आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज की जितनी बुक से क्वेश्चन मिले आप ट्राई कीजिए। आप इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी कर लीजिए, आप कोई और रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी बुक्स यूज़ कर रहे हैं उन सब से आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए, आपके फंडास बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ सी 1F का वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स, यू हैव गिवन दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 18, देन यू हैव गिवन ए हैज 8 एंड बी हैज 15 एलिमेंट्स, एन ए के पास 8 और एन बी के पास आपके पास 15 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 15। सो वॉट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ फॉर्मूला पता है बस, क्योंकि ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सब पता है आपको, जो पता नहीं है वो पता कर लीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पुट कर दीजिए वैल्यू। एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है 18, एन ए आपके पास है 8 प्लस 15 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज इट 18 एंड दैट इज योर 23, शिफ्ट दैट माइनस 23 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो आपके पास ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज 5, हेंस स्टेटमेंट में आंसर लिखना जरूरी है अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 5। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इन द सिमिलर मैनर आप कर सकते हैं। नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। मैं भूल गई कुछ फॉर्मूला, मैंने आपसे कहा था हम और लिखेंगे, मैं आपको और दो एक आध फॉर्मूला बता देती हूँ। आपने वैसे ये सब वेन डायग्राम में किया होगा, सॉल्व करने में भी किया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए जब भी आपको फाइंड करना हो तो ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। अगर आपके पास ये दो सेट्स है, फॉर टू सेट्स होता है ये, अगर आपके पास तीन सेट्स है तो ये फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो फॉर थ्री सेट्स मैं आपको आगे फॉर्मूला बता दूंगी, पर ये आपके पास जब दो सेट्स हो तो ये फॉर्मूला लगता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेकेंड और थर्ड आप खुद से करेंगे, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स टू 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू 19, एंड 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 व्हाट यू हैव गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज योर 11। आपको तीन टर्म्स फाइंड करने हैं, टू फाइंड फाइंड में आपके पास पहला है आपके पास एन ए, सेकेंड है आपके पास एन बी, थर्ड है आपके पास एन ए यूनियन बी। नाउ सी वी नो दैट एन ऑफ ए माइनस बी इट इज नथिंग बट एन ए, दो सेट्स हैं तो फॉर्मूला आपको अभी बताया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीन सेट्स होंगे तो फॉर्मूले में चेंज आएगा, पहले ही बता चुकी हूँ। एन ऑफ ए माइनस बी यू हैव गिवन 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू हैव टू फाइंड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यू हैव गिवन, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए क्या हो जाएगा बेटा 35। इसी तरह सेकेंड एन बी फाइंड करना है, एन बी फाइंड करने के लिए एन बी माइनस ए कर लीजिए तो आपके पास एन बी मिल जाएगा। वेट फॉर अ मिनट, ऑल्सो ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू एन बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है। एन ऑफ बी माइनस ए आपको गिवन है क्या? यस इट इज 19। एन बी हमको फाइंड करना है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 11 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास हो जाएंगे 30। अब उसके बाद ऑल्सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला लगा लें, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और आपके पास आप ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, इट इज इंटरसेक्शन, तो आपको मिल जाएगा आंसर एन ऑफ ए यूनियन बी। आप ही वैल्यू रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके कर लीजिएगा, मैं वैल्यू नहीं रख रही हूँ, सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, दो स्टेप का क्वेश्चन है आपके पास। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन प्रूव दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। सिंस आप ये बात ध्यान रखिएगा, ए एंड बी जब भी डिसजॉइंट होंगे, जब भी डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा जीरो होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, जब कुछ कॉमन नहीं है डिफरेंट सेट्स हैं तो उनका कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। अब वी नो डैट, क्या नो डैट बेटा, वी नो डैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यू हैव ए इंटरसेक्शन बी जीरो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, ये आपका वैसे ही जीरो है तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आपके पास कुछ और भी मुझे बताना है। मान लो इफ ए देर आर टू सेट्स, इसके लिए भी कुछ फॉर्मूलेस बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपके पास दो ही सेट्स हैं, दो सेट्स हैं मान लीजिए ए एंड बी, तो आपको ओनली ए अगर निकालना हो, इसके लिए मैं वेन डायग्राम भी बना के बताऊंगी, ओनली ए का फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए जरा यहाँ बना रहे हैं हम, दो सेट्स पे आपको बना के बताती हूँ मैं, ओनली ए ओनली बी कैसे निकालते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब अगर आप ए बोलेंगे, ए सेट, ए सेट आपका ये पूरा होगा बेटा, ये पूरा ए सेट होगा जिसमें अगर बी कॉमन है तो ये बी भी इंक्लूड होगा उसमें। ओनली ए में आपका बी भी, सॉरी ए अगर बोला जा रहा है तो ए में आपका बी भी इंक्लूड करेगा, और अगर ओनली ए बोला जा रहा है तो ओनली ए में आपके पास ये बी वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये आपका वेन डायग्राम में ओनली ए है जिसमें आपके पास ये इंटरसेक्शन पोर्शन नहीं होगा। तो ओनली ए जब भी आएगा आपके पास तो इट मीन्स ए को, ए का वो पूरा पोर्शन, लेकिन उसमें अगर दूसरे कोई सेट्स है तो उनका इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। इसी तरह हम ओनली बी की बात करें तो ओनली बी का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे क्या होगा, ओनली बी का फॉर्मूला आपका होगा एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए।